केंद्रीय श्रम संगठनों तथा विभिन्न स्वतंत्र क्षेत्रवार श्रम संगठन स्टेशनों के राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन द्वारा किए गए आह्वान के समर्थन में मंगलवार को पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन ने बैंक रोड स्थित शाखा कार्यालय से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। मजदूर विरोधी श्रम नीतियों, प्रतिगामी बैंकिंग सुधार उपायों, निजीकरण और विलय, खराब ऋणों को वसूल न करने, बैंकों में स्थायी कार्यों के आउटसोर्सिंग का विरोध करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों को सुदृढ़ करने और बैंक में पर्याप्त भर्ती सहित विभिन्न मांग किया। हड़ताल में एसोसिएशन के यूपीएन सिंह, ओपी तिवारी, पीके श्रीवास्तव, शेखर वर्मा, सुधीर गौड़ सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष के तिवारी ने कहा, आज पूरे देश के पैमाने पर ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियन की हड़ताल है। पब्लिक सेक्टर के सभी जितने भी संस्थान हैं उनकी भी आज सब हड़ताल है। सरकार बहुत सारे ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर कुशाघात कर रही है, तमाम नियम कानून बदल रही है, तमाम उसमें परिवर्तन ला रही है जो कर्मचारी के और मजदूरों के हित में नहीं है। इसी नाते आज ये हड़ताल चल रही है। आने वाले समय में अभी कल भी हड़ताल रहेगी, दो दिन की हड़ताल है। और आज सेंट्रल ट्रेड में पूरा देश में आज ट्रेड यूनियन के लोग सड़कों पर हैं, हड़ताल आज हर जगह है और आने वाले समय में भी और कार्यक्रम इस तरीके चलेंगे। इतना ही नहीं, वो जो ट्रेड यूनियन के जो अधिकार थे उसको वो कट कर रहे हैं, काफ़ी काट रहे हैं, काफ़ी निकाल रहे हैं, काफ़ी बदल रहे हैं, काफ़ी उसके लिए लोकसभा में बिल ला रहे हैं। तो ये देश के मजदूरों के हित में नहीं है, अहित का काम कर रहे हैं। इस नाते आज हड़ताल ही है।